हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है, हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना, हर्षवर्धन क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है आपको, मेरी ये पहचान नहीं है, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र यही दिक्कत, मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल, पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं आपके मन में, आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। मैं जिम्मेवार नहीं हूं सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे आपको, अगर पार्टी के प्रवक्ता के तरफ सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? तरह से जवाब, लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब ये, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछिएगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं, ये बहुत कन्हैया जी सभी प्रवक्ता हो गए, प्रवक्ता नहीं है आपको, पहले लिस्ट मंगवानी थी कौन कौन आ रहे हैं। अशोक जी एक मिनट, आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए मैं फिर सवाल, सीधा सवाल पूछिए, सवाल दोहराता हूँ। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है चाह रहे हैं, और ये सवाल है कि नहीं मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान, नहीं, नहीं ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने सवाल है? क्या आपको लगता है सवाल है? आप सवाल पूछिए, बोझ बन गई है, आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए, बताइए ना सवाल के लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए, किस क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा, बदतमीजी और बेहयाई। चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है, बेहयाई करने का नहीं, ये सवाल ये सर ये भाषा का इस्तेमाल है बिल्कुल से जाति ना लीजिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर कन्हैया जी ये भाषा ठीक नहीं, कन्हैया जी एक मिनट निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट मैं इनको जानता हूँ जी, हर्षवर्धन जी आप हद में, हर्षवर्धन जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट सर, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, आपकी वो भाषा सर, सर ये शब्दों का कन्हैया जी, कन्हैया जी इन शब्दों से, एक मिनट कन्हैया जी इन शब्दों का, नहीं नहीं आप गाली बना रहे हैं हमको नहीं लग रहा है, अच्छा एक मिनट गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं, एक मिनट हर्षवर्धन जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी होशियारी हम समझते हैं, एक सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे, सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए प्रोपेगेंडा का जवाब, एक मिनट एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, उसके अलावा कौन? नहीं नहीं सुनिए ना, बताइए आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने, आप अपना जवाब, एक तरफा बात नहीं होगी, आप अपना जवाब, एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, एक दूसरी बात, लेकिन इसमें कौन नहीं, राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन जी, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए फिर उसके बाद, अशोक भाई से प्लीज, एक मिनट ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ अपना जवाब दे, जवाब सर प्लीज, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब दें, सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा, जवाब मिल गया, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का,
कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था। उस वक्त आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट, सवाल पूछा। नहीं नहीं नहीं, आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब दे दीजिए। मैंने यही सामान्य बात, यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट। नहीं नहीं सर, सर वो जवाब दे रहे हो सकता, पहले सुन लीजिए। आपने गलत तरीके से बात करने से, अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का एक्सपर्ट, नहीं नहीं जवाब, मनुष्य होने में शर्मा रही। सर पहले जवाब सुन लीजिए, हम जानते हैं आपको, काहे ना आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं, कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा जानते हैं। नहीं नहीं कन्हैया जी एक मिनट, जवाब बताइए, जवाब दे देते हैं। देखिए दूसरा, इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो दो मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात कर रहे हैं। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनल नहीं हूं सर, एक मिनट, जवाब दीजिए। राहुल जी थोड़ी ना हद तय करेगा आपका एरोगेंस। हम लोग एक मिनट, हद दायरा ये नहीं एरोगेंस। हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, गलत है ना, ठीक है। मैंने उसके लिए मना कर दिया, सबकी हद दायरा तय करेंगे, मैंने उसका मना कर दिया। नहीं नहीं सर, सर 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 प्लीज निशांत, एक मिनट, आप एक मिनट रुक जाइए, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं सर, एक मिनट। मुस्लिम लीग पर सवाल था मेरा, राहुल जी, हाँ राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उस पर कुछ करना, ठीक है। आपने जवाब दिया, एक मिनट हाँ राहुल जी, मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ जी। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं जहां से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नजर में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर पार्टी है? देखिए मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, अगर यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज़ तो होता नहीं है, बदलते रहती है। आप, मैंने भाजपा का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया था, आपने भाजपा का सवाल लाया है तो मैं भी एक सवाल कहता हूँ। भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा, तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? वैचारिक अंतर विरोध था वहाँ पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता ये है, और मैं बार बार कहता हूँ कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना उसको गुमराह करने का। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। कौन सेकुलर है
कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से मुसलमान कर कौन रहा है? अगर कानूनी रूप से तय होगा हिंदू 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 मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं देंगे? नहीं नहीं, एक मिनट सर, राहुल गांधी एक बार काउंटर लेके हम कमिंग करें, एक सवाल मुझे पूछ ले, रिप्लाई टू दैट, आई एम कमिंग टू यू, ही रिप्लाईड टू दैट इन यूएसए, व्हाट आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू इट, गांधी ने रिप्लाई किया, नहीं सर आई एम कमिंग टू इट, रिप्लाई करना है राजगोपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपका हद हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हद यहां पर क्या करेंगे? राहुल सिन्हा जी कन्हैया, मैं सिन्हा जी कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है वो सुन, अगर आप हिंदू मुसलमान तो ठीक है, पूछिए, आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपाल सर प्लीज रहने दीजिए, हां जी जाइए, पर्सनल अटैक कर रही है, पूछिए प्रश्न, ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है, आई विल कंटिन्यू, गुस्सा हो रहे हैं, झूठा झूठो फूफा बन रहे हैं आप, सर सर शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, क्या बात कर रहा है, चले जाइए भाई, आप मेरे गेस्ट हैं सर, शादी में थोड़ी आए सर, कन्हैया जी पर्सनल मत करिए, फिर वही पर्सनल पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं बन रहे हो, जाइए, एक मिनट राहुल जी सवाल पूछिए, मेरा सवाल ये है, पूछो उछा, अच्छा अच्छा राहुल जी बताइए, पूछो, हां कन्हैया मेरा सवाल ये है, योर माय गेस्ट, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ही विल नॉट इंसल्ट, व्हाई ही इज इंसल्टिंग, ही सेड दैट, मैंने उनसे बोला नहीं सर, पर्सनल मत करिए सर, पर्सनल मत करिए, अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है, अच्छा एक मिनट, बिना मतलब राजगोपाल सर आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड राहुल जी, हां आपने हिंदू मुसलमान की बात की, राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, संस्कार है, बाबू ठीक है, बाबू आइए शांति से प्रश्न पूछिए, सवाल पूछिए, संस्कारित लोग हैं यहां पे, सवाल पूछो, आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाता हूं, सवाल पूछिए, छोड़ दीजिए, मेरा सवाल सीधे ही है आपसे, इग्नोर कीजिए सवाल, कीजिए, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं, कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछे या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा कर के देश का अपमान कर रहे हैं, ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है जो एक अमेरिकन कंपनी है। जब आप यहां आते हैं दिल्ली में कहीं भी देश में जाते हैं तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है, जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है, कोई भी बात आप हम करते हैं वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं नहीं, अब मैं बीच में रोकूंगा पूरा, वो अमेरिका वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई ईसाई महिला जा रही है उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है, उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित है तो ये गंभीर मामला। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए, ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको राजनीति के लिए एक मिनट से हटा दीजिए, इसको राहुल गांधी वर्सेज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना वो चाहिए, बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा कहीं सकती है। नहीं कहा जाना चाहिए, इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो दो बात कही जा रही है ना वो तर्कहीन है, एक देशी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूँ और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं?
मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए हैं, क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो है चंडीगढ़ नहीं गए? एक सेकंड सर, ठीक है, प्रश्न क्या है ये पूछिए। आपका आपका ये तर्क है कि आप घुमा रहे हैं उसको, इंटरनेट पे लाओ। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, प्रश्न सीधा है। वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपको लग रहा है? नहीं आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ नहीं, मैं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा, आप बोलेंगे ही नहीं। ऐसा जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है क्या वो तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के ये बात कह रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। किस तरह से सही है बताइए, किस तरह सही है? अभी देखिए पहले बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले इनका, अरे आपका भाई आया था, आप कीजिएगा हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, पहले उनका जवाब देने दीजिए। तथ्य के हिसाब से गलत है, भी सवाल निशान जी जवाब नहीं आ रहा है सिर्फ। कन्हैया जी एक सेकंड, जिस तरह की चर्चा हो रही है ये जैसे हम देसी विदेशी किसी तरह की चर्चा करते हैं वो आज हो गया। एक मिनट कन्हैया जी, अब सवाल, एक सेकंड, अब एक मिनट, अब आप जरा मुझे एक मिनट, इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये है, अगर बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है, अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ये बताइए कि बात सही है कि नहीं। मेरा एक मिनट, अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा हीटेड है, मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियां दें क्योंकि हम जा रहे हैं रैपिड फायर के लिए। अब थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, तालियों में दम नहीं है। लेकिन कन्हैया जी ये थोड़े से ट्रिकी सवाल है, थोड़े से इसमें विट आपका भी देखना होगा हमें, लेकिन जवाब एक ही दीजिएगा, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं नौबत, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं देखिए आप यही, आप तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना, आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, ठीक है, सवाल होता मेरा है। दूसरा सवाल, दूरदर्शी नेता कौन है? सीधे आइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन है, राहुल गांधी या डी राजा? सर दोनों दूरदर्शी नेता हैं। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों, हाँ दोनों दूरदर्शी नेता हैं। दोनों, ठीक है, ओके। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर इसमें एक ही बोलना होगा आपको, राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। ठीक है, अब आइए जरा हमारा जो एक और सवाल है रैपिड फायर का, सर प्ले ऑन करिए। बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है कभी भी, विचार हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। और जवाब वैसे हम सबका दे रहे हैं सर। हाँ वैसे सबका दे रहे हैं लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं आप, चलिए आइए। अब सवाल है बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा, संबित पात्रा आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। अगला सवाल, उसमें तो इसमें से भी तीन लोग कहेंगे क्या सर? सर जवाब देता हूँ मैं, जवाब देता हूँ मैं सर, जवाब देना है। नहीं, 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 सर, मैं आपसे जवाब लूंगा, साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल पता है, पर्सनल सर, पर्सनल नहीं होना है। कन्हैया जी नीचे पानी ले रही है, कन्हैया जी की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना है। आइए, और आदत है मेरे पास सर, एक और सवाल है, आइए चेंज करिए। आदर्श विचारधारा क्या है, आदर्श विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी की या कार्ल मार्क्स जी की? दोनों, कोई एक तो बताइए आप। दोनों, उस मतलब मैंने जो है जोशी गांधी पत्राचार पढ़ा है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है पीसी जोशी आर्काइव्स है,
आप भी अगर दोनों महात्मा गांधी और पीसी जोशी के बीच के जो पत्राचार हुए हैं, जो लेटर क्रॉस्पॉन्डेंस है, उसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे दोनों। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं उसके लिए यहीं पर रहना चाहूंगा और उसके बाद जयशंकर सर के पास मैं आने वाला हूं। आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां करते हैं, सुना देते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। उन्होंने जो कहा राहुल गांधी ने वो निजी टिप्पणियां हैं और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यू नो आई थिंक द पार्लियामेंट हाउस, दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। द रियल इश्यूज इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, स्प्रेड ऑफ एंगर एंड हेट्रेड, क्रम्बलिंग एजुकेशन सिस्टम, प्राइस of education, price of healthcare, these are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. No. You know, lying down and doing all that. So, ab Rahul Gandhi, aren't you happy I'm not lying down? Rahul Gandhi ji ne kaha jab wo Pradhan Mantri ji dandvat hue, to are you happy that I'm not lying down? Ye thoda personal nahi hai sir. देखिए क्या है ना सर, कि आपने जो है पूरा क्लिप दिखाया और साफ सब लोगों ने देखा, मेरा पूरा ध्यान जो है ना उसी में अटका रह गया। जब महंगाई की बात हो रही थी, सुधर देखे कि नहीं आप लोग, जब जो है बेकारी की बात हो रही थी, शिक्षा महंगी हो रही थी उसकी बात हो रही थी, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है उसकी बात हो रही थी, तो मैं वही देखता रह गया। कहते हैं ना, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखें तीन तैसी। हमको ये लगता है कि अगर इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी की बात करना और इसके बात करने से प्रधानमंत्री जी का अपमान हो जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए, उसके लिए तो जो है उनको बार बार अपमानित हो जाना, ये तो देश हित में है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक और यहाँ पर चीज़ पूछूं जी, प्रधानमंत्री संगोल स्थापना के वक्त दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो राहुल जी ने उनका मजाक उड़ा दिया, जिस तरीके से वो कहा गया है। बदले में बीजेपी ने भी राहुल गांधी जी की तस्वीरें दिखाई हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, प्ले ऑन करिए। देखिए आपने वो वाला पार्ट बताया, मैं उसका भी जवाब आपसे ले चुका हूं और ये दूसरे वाले का भी, जरा वो एक बार क्यू पॉइंट दिखाइए जरा, जो ये राहुल गांधी जी ये उज्जैन में जब वो दंडवत कर रहे हैं, अब वो बोलते हैं ही इज लाइंग डाउन बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं नहीं, आप एक्चुअली उस बात को समझे नहीं जी। प्रधानमंत्री जी जो संसद भवन में लाइंग डाउन कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है राहुल जी नहीं बोल रहे थे, ये सब जानते। देखिए ये 1-to-1 कराते रहिएगा ना, उससे 140 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला। जयशंकर जी आपका सवाल, आप पूछना चाहते हैं? नहीं कन्हैया कुमार, एक तो एक आपको एक समझना होगा, जब राजनीति में आप हैं तो आप पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जो डील करते हैं उसी तरह से पत्रकारों के साथ डील नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, हम सहमत हैं आपकी बात। पहली बात कि देखिए, पत्रकार जो है वो कड़े से कड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग, इसी मंच से हम लोगों ने अशोक वानखेड़े हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से भी इस तरह के सवाल करते हैं कि नहीं देख पाए हैं सर, सुन लीजिए, तो मतलब सरकार से सवाल पूछते हुए नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, किसी को आप प्रवक्ता, हमने इस शो में पूछे, आपको बहुत बधाई कि आप सरकार से सवाल पूछते हैं और मैं आपको शुभकामना देता हूँ, जल्दी इंटरव्यू देना, कभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो। दूसरा सवाल, जैसे दो तीन बातें आपने कही, उस समय हम हस्तक्षेप करना चाहते थे लेकिन वो चूंकि आप लोगों की बगझक में निकल गई थी। जैसे आपने कहा कि जातिवाद की राजनीति, जातिवाद के विरोध में राजनीति करते हैं, अभी मैंने एक समाचार देखा जिसमें आप बिहार में गए थे जी, प्रजापति सम्मेलन में जी, तो प्रजापति सम्मेलन जो था वो जातिवाद का विरोध करने के लिए था या किसी एक जाति के लिए था, और उसमें आरजेडी के लोग नहीं गए? आप, मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पर, तो राजनीतिक रूप से जो है जातीय पहचान के आधार पर लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है, हम पटना के कार्यक्रम में गए थे, पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन करके इस जाति को दे दो, तब जातिवाद होगा। 100% भागीदारी के हमने एक बात की, एक बात। दूसरी बात, आपने जो इतिहास बताया देश की राजनीति का, मैं भी वही बात कह रहा था कि अपनी राजनीति के लिए इस देश में सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहे हैं, ये इस देश की राजनीति का इतिहास है। और कांग्रेस विरोध में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक दौर था कांग्रेस विरोध का,
तो कांग्रेस के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए। एक दौर है जब भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है, ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग दौर की बात है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, तो विचारधारा के आधार पर उसकी कसौटियों पर यदि आप कस करके किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे, तो कांग्रेस का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता है। हमने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। देश को अगर वो 50 साल चलाए, तो उनके ऊपर अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं, तो उनका इस देश के लिए कोई योगदान भी तो रहा होगा, उस योगदान के बारे में भी बात कीजिए। एक सवाल है मेरा, वो है हिंदू राष्ट्र को लेकर। हिंदू राष्ट्र की बहस देश में फिर से हो गई है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम बाबा हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपका टेक इस पर? देखिए, इस देश में किसी भी नागरिक को, चाहे उसका पेशा कोई भी हो, चाहे वो फल बेचता हो या जो है किसी मंदिर का पुजारी हो, अपनी जो है बोलने की स्वतंत्रता के आधार पे कुछ बोलता है जी। जब तक कि संविधान की मूल भावना आहत ना हो और दायरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें रह करके कोई अगर अपनी बात कर रहा है तो उसको यह बात करने की आज़ादी है। लेकिन देश चलेगा कैसा है, इसका तो एक नियम कायदा बना हुआ है। उस नियम कायदे के हिसाब से यह देश चलेगा संविधान से, और उस संविधान में कानून कैसे बनेंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगा, विधायिका कैसे काम करेगा, तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और संविधान के हिसाब से हमारा देश, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने की जो भावना है, उसके आधार पर चलेगी। किसी भी इंसान के साथ उसके जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अगर किया जाता है तो गैरकानूनी है। किसी भी इंसान के साथ उसके पूजा पद्धति, विश्वास, मान्यता, इसके आधार पर जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान की मूल भावना से अगर कोई खिलवाड़ करे, अगर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दायरे में ना रख करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करे, तो उसका जवाब देने के लिए कानून है। अगर कोई उस कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब जो कानून देगा। थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज पूछता हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नज़र में, कन्हैया कुमार की नज़र में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूँ कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफरत के आधार पर जो राजनीति होती है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका काम है उसके आधार पर वोट ग्रहण करना, उसके आधार पर वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है, जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना, ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी, एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। सर ने जो सवाल आपसे पूछा था प्रजापति सम्मेलन को लेकर और जातियों में भेदभाव खत्म करने को लेकर, जो आपने, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे। और उधर कांग्रेस जो है, उसने आपको, इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना, पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं, आप स्पष्टता से बात करते हैं। मैं भेद बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको, कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ
कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उसी भेदभाव के खिलाफ इंसान को अपनी आवाज़ जो है ना बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखरता से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता है, इस बात को याद रखना। भेदभाव जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, ठीक है, उसके खिलाफ आपको अपनी ही आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सचिन पायलट जो है कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए। ये तो इस बताइए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, मुक्त कंठ से बोलिए। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर रही है। उन्होंने तीन पॉइंट दिए, बच्चों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप जो तीन पॉइंट पे वो लड़ रहे हैं, मैंने यही कहा, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप प्रश्न जो पूछे उस प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में, इसीलिए मैं कहता हूँ सर आप ईमानदारी से हम आपके साथ रहे, ईमानदारी से पूछा हमने, वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। अरे किसी के राज में जो है कोई भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? तो क्या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सचिन पायलट के उसी रोड शो में, उसी जिस तरीके से उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सचिन पायलट ने ऑन कैमरा TV9 के इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, वो अपनी पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे। आप बताइए, और मेरे ऑन कैमरा उन्होंने बोला ही नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट अभी ऑन कैमरा ये बात कहें। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मान लेता हूं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, चलते हुए लिया, बोले मैंने उनसे पूछा ये सवाल दो बार कि आपको लगता है, आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा कौन करेगा भाई? आप बैल मार मुझे ऐसा कौन करेगा? ठीक है, अब जो मेरा एक एक यहाँ पर जिस तरीके से चीजें आ रही है उसमें कुछ सवाल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनको एंटी नेशनल, उनको एंटी हिंदू बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे सुबह शाम मैसेज आता है। आपने देखा होगा कि वीडियो को कैसे जो है आगे पीछे से काट करके उसको चलाया जाता है, कैसे जो है एक इंसान को जो है उसके अंदर समझ नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो दोनों पक्षों की तरफ से होता है? नहीं नहीं, अरे क्या बात कर ये रहा? बात नहीं, नहीं, दोनों तरफ से मैंने जो है किसका वीडियो काट करके जो है वीडियो लगा दिया है? आपने नहीं काटा है, लेकिन हमने कई IT सेल्स तो होते ना, कई जगह हमने देखा है किस किस के लगते रहते हैं। ये अनैतिक है ना सर, ये अनएथिकल है ना, ये इसको कोई सही थोड़ी कहेगा। झूठ के आधार पर राजनीति करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप बताइए कि हमारे देश में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है पार्लियामेंट में, हर सरकारी डॉक्यूमेंट पे सत्यमेव जयते रहा जाता है, उस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते हो रहा है और उसको हम सही कैसे मानेंगे सर? ये गलत है, ये आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, गलत सवाल है। अगर एंटी नेशनल एंटी हिंदू ये छवि बनाई जा रही है, तो इसको वापस लाने के लिए, छवि को वापस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? मैं अभी आ रहा हूं, अभी इसके इसी में सवाल आ रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ, इसके लिए क्या किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? मेरा मानना यह है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है, खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ये कहूं कि ये तरबूज है तरबूज है तरबूज है, तो आम तरबूज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है, धीरे 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 धीरे, मैं आपको कह रहा हूं, आप बोलते हैं टाइम के चलते सब ठीक हो जाएगा, सत्य के राह पे आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झूठ अपने आप किनारे हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपका उस पे सवाल? मेरा सवाल वही है, उम्मीद करूंगा कि इस बार कन्हैया कुछ जो अपशब्द होते हैं वो सब नहीं बोलेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी ने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी से लेकर कांग्रेस की सत्ता के साथ हो चलते रहे लगातार। वो एक इसको कहें कि एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एकेडमिक्स के तौर पर वो समर्थन रहा। क्या अभी ऐसा लग रहा है, जो आरोप लगता है जिसको आपने कहा कि एंटी हिंदू छवि हो जाना, या जिसको आप कह रहे हैं कि एक एंटी नेशनल छवि हो जाना, उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का राहुल गांधी के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाना, इसका भी कुछ योगदान है? देखिए, ये तो बात जो है अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी नहीं, आरोप लगता है ये, इसलिए मैंने मतलब नहीं, देखिए आप एकदम बोले हैं पत्रकार भाषा में, एकदम हम जैसे ही जवाब देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल वही दीजिए, उम्मीद यही कर रहा। आपने जो कहा कि आरोप लगता है,
और आपने जो है इतिहास का एक संदर्भ दिया कि इस देश का इतिहास ये है कि कई बार जो है ये लोग गठबंधन में रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गठबंधन शब्द मैंने नहीं कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी दिखती रहीं, कम्युनिस्ट खड़े दिखते रहे, लेकिन पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने कम्युनिस्ट नेता हैं, क्या इसकी वजह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जैसा ठप्पा ज्यादा लग रहा है? नहीं नहीं, एक तो कम्युनिस्ट होना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होना नहीं है, ये बात अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसको हटा दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, ये बात भी गलत है, इसको भी आप हटा नहीं दीजिए। है वो लोग बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले नहीं। आप उसको कैसे देखेंगे? आप पार्टी की संरचना देखेंगे, आप CWC देखेंगे, आप जो है AICC के सेक्रेटरी को देखेंगे, आप जनरल सेक्रेटरीज को देखेंगे, या जो देश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं से भी ये फैक्चुअली सही नहीं है। या आप राहुल गांधी जी के ऑफिस को देखेंगे, उसके उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहां ये आरोप जो है वो टिकता हो, एक बात। और दूसरी बात, ये बात बोलना अपने आप में जो है बड़े बहुत हास्यास्पद है कि कम्युनिस्ट विचारधारा एंटी नेशनल है। मेरा एक सवाल आपसे है, जो हम मैंने आपसे छवि सुधारने वाली बात बोली, आपने कहा कि वो टाइम जो करेगा, लेकिन उसमें टाइम के बीच में बहुत सारी दुश्वारियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कांग्रेस बार बार छवि सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन आपके ही नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे सारे खरे धरे पर पानी फिर जाता है। एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा प्ले ऑन करिए उसको। यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, कहां चल रहा है, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। अब सर्जिकल स्ट्राइक का अगर प्रमाण माना जाएगा तो एंटी नेशनल छवि होगी? नहीं नहीं, देखिए एक बात बताइए, अभी मैं कहता हूं कि इसको ना बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। देश के ओलंपिक विजेता, देश का मान बढ़ाने वाले जो हमारे पहलवान हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही लोग जब अपने कंधे पे तिरंगा लगा करके मेडल अपने सीने पे लगाते हैं तो देश का मान। दिग्विजय सिंह पे सवाल पूछो, पहलवानों जवाब देने दीजिए ना, आप जवाब देने दीजिए। दिग्विजय सिंह का आपको लगता है उनका सवाल जवाब हम नहीं देंगे? उनका भी सवाल का जवाब देंगे। तो जो है अभी जब वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, तो उनको जो देशद्रोही कहा जा रहा है, ये ना फैशन बन गया है सर कि आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो सरकार के डिफेंस में जो है देश का नाम लेकर के जो है जान बचाने की कोशिश की जाएगी। जो बात दिग्विजय जी बोले हैं वही बात, और भाजपा ने सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल बनाया है, बीजेपी ने बनाया है ना, बीजेपी में थे ना, वो जो है वही सवाल आज पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं सरकार से? तो यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए आपको? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि वही सवाल जब बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं तो वो जो है देश विरोध नहीं एक है। मिनट, आप पूछ रहे ना ये सवाल, हाँ। सवाल तो उनके लिए भी है, आप पूछ रहे ना ये सवाल, और आपको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए? नहीं नहीं, प्रूफ क्यों चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए। तो वो क्या पूछ रहे हैं फिर? वो ये कह रहे हैं कि सरकार क्या करती है देश का नाम लेकर के, देश के सेना का जो काम है उसकी जो वीरता है उसको अपना काम बताना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए जो है, इसीलिए मैंने पहलवान का उदाहरण दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा, मेरा सवाल कुछ और। स्पष्ट जवाब, कोई भी एक सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा है। साफ साफ सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ उन्होंने मांगा, ये मांगना चाहिए या नहीं? उन्होंने नहीं मांगा, नहीं उन्होंने नहीं मांगा है। अरे सामने मैंने सुना, सवाल कर रहे हैं सामने, मैं भी आपको जो है कुछ सुना देता हूँ। अभी अभी उन्होंने बोला, मैंने आपको अभी अभी मैंने आपको सुनाया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसको बिल्कुल पर्सनल मत लीजिएगा। ये इतना हर्षवर्धन जी ने, निशांत ने, आपने इतना एंटी नेशनल बोल दिया कि मुझे लगा मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं मैंने नहीं बोला है, यही नहीं, बोला आप भी जिक्र कर रहे थे। नहीं नहीं, इस सब के बीच में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि देशद्रोह का जो कानून है उसमें संशोधन करके उसको कायम रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और सज़ा 3 साल की जगह 7 साल कर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है देशद्रोह का कानून। नहीं ठीक है ना, हम तो कहते हैं कि देखिए कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी छात्र राजनीति के दौर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, आपके ऊपर लगे आरोप सही थे या गलत थे ये फैसला अदालत को करना है,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस छवि को दूर करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्या हूँ इसकी सच्चाई मैं जानता हूँ, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। हमारा इतिहास क्या है इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है ना, जो सच होगा वो सामने आकर के रहेगा। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। क्योंकि आप राजनीति में हैं और बीजेपी आपके पुराने बयानों को दिखाती रहती है, और सोशल लाइफ में जब आप आते हैं तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। खासकर सेना से जुड़े हुए जो आपने बयान दिए थे उसको लेकर, नहीं वो झूठ है, मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1,00,000 बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। 1,00,000 बात मैं बोलता हूँ, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप लगाती है। क्या सेना को देखकर ये बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए अब इसमें दो बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं PhD हूं और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है। पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस ज़माने में हर कोई न्यूज़ सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए आप। जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं, उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये कोई जो आपने है ना, आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन करिए, पूरा बयान दिखाइएगा। क्यों पर आप उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा बीजेपी दिया हूँ, 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं, 1 घंटा भाषण दिया हूँ। अभी मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना, बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूँ। नहीं सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए जिसको चैलेंज लेना है, तो खुलेआम ले रहा हूँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है, झूठ बयान। एक मिनट काट करके, क्या वो बयान, डॉक्टर्ड बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूँ? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आपकी मर्जी, उसके बाद नहीं, मेरी उसके बाद आप सच्चाई मुझे बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो बयान, क्या वो बयान मैं दिखा सकता हूँ? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे। विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो, आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना, ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है उसका 1 हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की नौकरी करता है, याद रखिएगा। नहीं नहीं, पैरामिलिट्री से लेकर। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं? देखिए फिर आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता, इनको मिर्ची लगता है। सेना के ऊपर हमारे घर के गलत तरीके, पत्रकार हैं। एक मिनट, पत्रकार नहीं है,
लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में ये किया। और मैं पत्रकार हूं कि नहीं, टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हर्षवर्धन जी कन्हैया जी हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं मैं पत्रकार हूँ कि नहीं मुझे तय करेंगे हम कौन। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रसन्न हूँ, मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट कन्हैया जी, आप गाना गा लो। अब मेरे कुछ सवाल है आपसे, वो एक और रैपिड, एक मिनट सर प्लीज एक मिनट, इनको एक्चुअली हम पहचान गए इसलिए इनको चिंता हो रही है। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, कन्हैया जी एक सेकंड, सर एक सेकंड, नाम क्या है, मेरा नाम सुगंध, हम आपको बता सकते हैं मेरा नाम क्या है, इनका नाम क्या है, आपका सुगंध हम लोग को बात पता नहीं, आपका इसमें हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं, सुगंध हम लोग सर हर्षवर्धन करे सर एक मिनट, सुगंध सर 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 हम लोग का ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है स्मेल, कन्हैया जी ये है एक मिनट सर, मेरा एक मिनट सर मेरा नाम क्या है बताने की बोल दो ना प्लीज, मेरा नाम क्या है प्लीज सर प्लीज किसी का नहीं बता, एक मिनट सर ये आपका मैं इस शो में सर इस शो में एक मिनट सर इस शो में अब हम एक वो बात नहीं करते सुनते हैं कन्हैया जी, यस और नो ये प्ले कार्ड है, अगर आप इसको पकड़ना चाहें प्लीज, ये तो फिर वही बात, नहीं आप इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ये प्ले कार्ड में क्या है, ये कैमरा है, ये एक रैपिड फायर राउंड है, हर सवाल का जवाब यस नो नहीं होता है, कोई बात नहीं, आपका देना होगा, जिसका नहीं होगा उसका आप स्ट्रेट कर दीजिएगा, नहीं पास कर दीजिएगा, बोथ का भी योग दीजिए, नहीं तो बोथ में आप इसको ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे के फिर पहले नो कर देंगे तो कहेंगे आप पहले नो, नहीं 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 हम उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप मान के चलिए, तो नन ऑफ दीज दीजिए, ठीक है बीच बीच में नन ऑफ दीज ये है सर, ये इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अच्छा बीच में दिखा देंगे नन ऑफ दीज होगा, जी जी ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कन्हैया, आप हमारी शर्त पे नहीं चलेंगे तो आपको आपकी शर्त हम नहीं तय करेंगे, तो आप भी मेरी शर्त नहीं तय करेंगे ना, जितना आजाद आप हैं उतना आजाद हम हैं, बिल्कुल अच्छा, हमको कोई मजबूरी नहीं है, जैसे आपको कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है अब आप मैं जाऊंगा, पहले जोरदार यहां पर तालियां हो जाएं क्योंकि रैपिड फायर राउंड आ रहा है। कन्हैया जी सवाल मेरा बड़ा सिंपल है और जो मेरे सवाल है वो आप यस नो या पास जो आप बता रहे हैं सीधे आप कर सकते हैं, अब हमारा इसमें बोलना नहीं है, बस यस नो या पास करना है। अच्छा तो यस नो में उठा लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ओके ओके। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्ले ऑन करिए इसको जरा, यहां पर कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे, ठीक है। दूसरे सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए पहले। सवाल यह है, प्ले ऑन करिए इसको, नेक्स्ट सवाल क्या है, लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता हैं? यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए, यस उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है, ठीक। राजनीति में परिवारवाद जायज है, ये सवाल यस या नो? ठीक है नो, ओके। चौथा सवाल, केरल में प्ले ऑन करिए जरा, केरल में लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है, यस या नो? ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं वैसे, ठीक है ठीक है, आपका इसका कहना है नो, ओके। मेरा अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ओके। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, पास? वही बात है, जब होगा तब देखेंगे, अब जो है ही नहीं उस पर क्या विमर्श करें। कांग्रेस पार्टी में, अगला सवाल प्ले ऑन करिए, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, ठीक है आप यस या कि नो क्या कहेंगे? ठीक है मैंने आपसे जो है शर्त तय कर लिया उसके हिसाब से, कोई बात मैं उसको स्टेप ओवर नहीं करूंगा, ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमको जो यस नो कहना होगा कह देंगे, ठीक बाकी आप पास करते। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं नहीं 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं विपक्ष का चेहरा, 2023 में ही। अच्छा एक बात बताइए, नहीं आप इसमें यस या नो एक मिनट बताइए, आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट बहुत सर सेंसेबल सवाल किए हैं आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, एक नॉन डिसक्वालिफाइड सांसद, अनक्वालिफाइड सांसद विदेश गए हैं कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है?
बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है तो 2023 में है तो 24 का क्या सवाल? एकदम है, इनका सवाल दूसरे ढंग का। इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा। विपक्ष का चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा। अच्छा, उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों बुरा मान जाएंगे। ठीक है कन्हैया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे एडिटर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ी देर रोक दीजिए, टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, रिमोट को बगल में रख दीजिए, क्योंकि इस शो में आज हो जो भी होगा वो आपको अगले एक घंटे तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। आज हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह देश के 5 जाने माने संपादक मौजूद हैं, जोरदार तालियां उनके लिए, जिनका सामना करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं एक ऐसे नेता जी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जिन्हें विरोधियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कहा, तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री बने, जो कॉमरेड से कांग्रेस के रेड कार्पेट तक आ गए, जो इस वक्त राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है तैयार, टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार। जी के लिए हमारे सीनियर 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं, आइए कन्हैया जी, आइए बैठिए। बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट तरीके से, लेकिन हम जानते हैं जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनते हैं। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहां पर, परिवारवाद से आजादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं और इसको देखने वाले देश के हर भाषा के लोग हैं, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हिंदी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेज में लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं। हम हिंदी में भी नंबर 1 चैनल है कन्हैया जी, आपको ये बताना आपको, चाहूंगा आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो था, जो नारा था, उसमें हमने परिवारवाद से आजादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा था। एक्चुअली हमारी संस्कृति में जब कोई आपके घर आए तो पहले हालचाल पूछते हैं, खैर मकदम पूछते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपने आते ही सवाल पूछा है, परिवारवाद से आजादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो, तो देश में कई तरह की समस्याएँ हैं। आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहां तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूं कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है, और इस विचार को
जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं, ठीक है, ये इसमें कोई अंतर विरोध अच्छा, नहीं है। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूँ, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वो भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है, और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। देखिए, आप जो अब जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर अब आता हूँ। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? ये देखिए, ये बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी, कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और RJD को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल? सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी, वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना? हाँ, चलिए, हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं, और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूँ, या जातिवाद सही है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है, तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना।
आपके ही चैनल पे आप सब लोग सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं छोड़िए मत, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं वक्कलिगा भूमियार रेड्डियार ये क्यों आ रहा है, वक्कलिगा क्यों आ रहा है, ये क्यों वक्कलिगा का कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है? कन्हैया जी, कन्हैया जी, आप आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। आपके सब सवाल का जवाब मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूं। ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल होंगे, राहुल गांधी तो सब सरकार को सर, बंद करते हैं। सर एक सेकंड, सर मेरा कन्हैया जी उसका भी जवाब दूंगा। सुनिए कन्हैया जी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी, जी। देखिए आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर वन। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ, हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल, और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग, देश के संविधान की